فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलेमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो, बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो कयामत के दिन तुम सबको जरूर जमा करेगा और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन होगा। अब क्या सबब है कि मुसलमानों तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह बन गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनको उनके करतूतों के सबब औंधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि जिस शख्स को अल्लाह ने गुमराह रहने दिया है उसको रस्ते पर ले आओ, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तुम उसके लिए कभी भी रास्ता नहीं पाओगे। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं उसी तरह तुम भी काफिर होकर सब बराबर हो जाओ। तो जब तक वो अल्लाह की राह में वतन न छोड़ जाएं उनमें से किसी को दोस्त न बनाना। अगर तर के वतन को कबूल न करें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो, और उनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न बनाओ। إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أرجحوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से भीग रहे हों तुम्हारे पास आ जाएं, तो और बात है। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता तो वो तुमसे जरूर लड़ते। फिर अगर वो तुमसे किनारा कशी करें यानी तुमसे न लड़े और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर जबरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की। तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब फितना अंगेजी को बुलाए जाए तो उसे औंधे मुंह गिर पड़े। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी न करें और न तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और न अपने हाथों को रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो, और इन्हीं लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हें खुली छूट दे दी है। وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
और किसी मोमिन को शाया नहीं कि दूसरे मोमिन को मार डाले मगर गलती से ऐसा कर बैठे, और जो गलती से भी मोमिन को मार डाले तो वो एक मुसलमान गुलाम आजाद कर दे और मकतूल के वारिसों को खून बहा भी दे मगर ये कि वो माफ कर दे। फिर अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए, और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम्हें सुलह का अहद हो तो वारिसान मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए, और जिसको ये मुयस्सर न हो वो मुतवातिर दो महीने के रोजे रखे। ये कफारा अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सजा दोजख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहा लज़ीना आमनू इज़ा धरबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुम अस्सलाम लस्ता मुमिनन तब्तगूना अरदल हयाति दुनिया मोमिनों, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमको सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, कि उससे तुम्हारी गरज ये हो कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो, तो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, चुनाचे आइंदा तहकीक कर लिया करो। बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सबकी खबर है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुरा दी और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है, और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है, और अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी अल्लाह की तरफ से दराजात में और बख्शिश में और रहमत में, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम